हेलो वेलकम। आज मैं इस ट्यूटोरियल आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं जो कवर करूँगा वो है म्यूचुअल फंड क्या होता है, रिस्क के बेसिस पे कैसे इसको कैटेगराइज किया जाता है, टाइप्स एंड हाउ एंड वेयर टू बाय, कमीशन कैसे कम करना है म्यूचुअल फंड लेते टाइम, और यूजफुल वेबसाइट्स जो लिंक्स आपको कैसे प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताया जाएगा। हाउ एंड वेयर टू बाय के लिए डिटेल में वीडियोस बनाई जाएंगी, यूजफुल लिंक के बारे में नेक्स्ट और ट्यूटोरियल बनाए जाएंगे। तो फिलहाल ये इंट्रोडक्शन के लिए आपको म्यूचुअल फंड के लिए ट्यूटोरियल है, तो आप इसको ध्यान से समझिए और आगे और भी पार्ट्स इसके बनेंगे। जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, सपोज आपने इन्वेस्ट करना है पैसा स्टॉक्स वगैरह में, तो आप स्टॉक का म्यूचुअल फंड चूज़ करेंगे। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए में, जो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, स्टॉक्स में, गोल्ड में, इंडेक्स में। तो जब आपने फॉर एग्जांपल चूज़ किया है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाला म्यूचुअल फंड, तो बहुत सारे लोगों ने चूज़ कर लिया उस फंड्स को और पैसे दे दिए हैं उस म्यूचुअल फंड्स को। बहुत सारे AMC हैं म्यूचुअल फंड्स के, SBI हो गई, HDFC हो गया, ICICI हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल SBI को आपने चूज़ कर लिया बैंक को, जो कि म्यूचुअल फंड की AMC दिखता है, SBI म्यूचुअल फंड है जो AMC। तो बहुत 4% ने उसको पैसे दे दिए स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। अब जो एक पूल क्रिएट हुआ है वो प्रोफेशनल जो होते हैं उनके, वो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स वगैरह में। अगर आपने गोल्ड का फंड चूज़ किया तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपने इंडेक्स का फंड चूज़ किया तो वो इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, ये पहले ही बता दिया जाता है आपको। तो 4% ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, एक पूल क्रिएट किया पैसे लेके हर से, और उसको फर्दर प्रोफेशनल जो AMC का प्रोफेशनल है उसमें इन्वेस्ट करता है। और मार्केट से जो भी आता है, अगर वो इंडेक्स या स्टॉक्स ऊपर चल रहे हैं तो आपको रिटर्न अच्छी देगा इसमें, तो ये प्रॉफिट द्वारा इसमें आ जाएगा और इसकी वैल्यू जो है पोर्टफोलियो की, उनकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एसेट बढ़ने से जितने पैसे जिसने इन्वेस्ट किए हैं उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट दे दिया जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड्स का। आपने बहुत सारे लोग यहाँ पैसा लगाते हैं, जितना परसेंटेज लगाते हैं उतने हिसाब से उनको रिटर्न दिया जाए। किसी ने 10% लगाया, 20% इसने लगाया, 30%, 40% लगाया है, तो इस तरह से कितने यूनिट बोलते हैं उसको, हमने इतने 2 यूनिट लिए हैं, इसने 10 यूनिट लिए हैं, इसने 15 यूनिट लिए हैं, इसने 25 यूनिट लिए हैं उसके, तो उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट दे दिया जाता है। तो एक पैसा इकट्ठा हो जाता है और एक प्रोफेशनल इन्वेस्ट करता है और मार्केट से आपको रिटर्न दे के प्रोवाइड करता है। और इसमें एक नव वैल्यू होती है। नव वैल्यू क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, 500 फॉर एग्जांपल नव वैल्यू, तो उसमें आप कितने यूनिट ले पाओगे। अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 2 यूनिट मिलेंगे, अगर 500 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ आपको 1 यूनिट मिलेगा। नव वैल्यू जो होती है वो इस एसेट से कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट करके यहाँ 10,000 से 20,000 बन गया है, तो सारे खर्चे निकाल के, सब कुछ एक्सपेंसिव निकाल के नेट प्रॉफिट अगर 15,000 या 18,000 भी आया है तो डिवाइड करते जाता है उसको शेयर होल्डर्स और यूनिट होल्डर्स से, तो तब ये वैल्यू आ जाती है। ताकि अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है ना वैल्यू, तो जो नए इन्वेस्टर आते हैं उनको कम यूनिट मिलते हैं। अगले टाइम इसकी 1000 नव वैल्यू हो गई, अच्छा परफॉर्म कर रहा है म्यूचुअल फंड, अगर ये पूल में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट होल्डर तो उतने ही हैं उस टाइम पे, तो 1000 रुपया हो जाएगी इसकी नव वैल्यू। तो नेक्स्ट जो होल्डर आएगा उसको 1000 रुपया अगर लगाना चाहता है तो उसको 1 यूनिट मिल पाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड्स का, मेन कॉन्सेप्ट यही है इसका। पैसा पूल्स करके इन्वेस्ट किया जाता है प्रोफेशनल से और आपको रिटर्न दी जाती है। तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ रिस्क इसको। एक हाई रिस्क फंड्स होते हैं, एक एवरेज रिस्क फंड्स होते हैं, एक लेस रिस्की फंड्स होते हैं।
अपन अपने हिसाब से चूज़ किए आपको कौन सा सूट करता है, कितना रिस्क लेना चाहते हैं आप। अगर आप हाई रिस्क जो वाले होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स में, स्टॉक्स में, इक्विटी जिसको बोलते हैं हम, ETFs वगैरह में, गोल्ड वगैरह में, कमोडिटी वगैरह में, जनरली ये हाई रिस्क होते हैं। जैसे कि SBI ब्लू चिप हो गया, ब्लू चिप का मीनिंग ये है कि वेल एस्टेब्लिश कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया है। ब्लू चिप्स मीन बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनियों में, जो कि निफ्टी के अंडर है, अच्छी कंपनियों में जिनका कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, तो उसको ब्लू चिप बोलते हैं, तो उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। SBI फार्मा हो गया, सेक्टर वाइज भी होते हैं फंड्स, तो ये सब सारे रिस्की फंड्स होते हैं, ये मार्केट के फ्लक्चुएशन से भी चेंज होते रहते हैं। ब्लू चिप्स मीन्स जैसे मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, ITC हो गया, तो ये ब्लू चिप के अंडर आती हैं। अगर इनके स्टॉक्स गिरेंगे ऑब्वियसली आपके फ़ंड की वैल्यू भी गिरेगी। तो ये थोड़े हाई रिस्की फंड होते हैं, सेक्टर वाइज फंड्स भी होते हैं, निफ्टी के इंडेक्स फंड्स भी होता है जो निफ्टी के ऊपर इन्वेस्ट करता है। एवरेज फंड्स में एक्चुअली ये ट्रेड होते हैं, बॉन्ड्स लेते हैं, बिल्स लेते हैं, किसी कंपनीज के बॉन्ड्स भी ले जाते हैं, जैसे ICICI, HDFC, SBI के बॉन्ड्स हो गए। तो इस तरह का एग्जांपल आप SBI ट्रेयर्स बिल फंड है जो, उसको बोल सकते हैं। लेस रिस्की होते हैं, जैसे कि डेप्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, फिक्स्ड इनकम की तरह होते हैं ये, इसकी स्लो ग्रोथ होती है, जैसे कि SBI डेबिट शॉर्ट टर्म हो गया फंड, गिल्ट फंड हो गए, तो ये कम रिस्की होते हैं, इनका मार्केट के ऊपर फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होती। तो ये था ऑन दी बेसिस ऑफ रिस्क, आप किस तरह का रिस्क लेना चाहते हो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये पहले बताया जाता है म्यूचुअल फंड लेते टाइम, जैसे SBI ब्लू चिप है तो ये ऑब्वियस बात है ब्लू चिप में ही इन्वेस्ट करेगा। SBI फार्मा अगर ले रहे हो आप, तो ये जो फंड है फार्मा कंपनी पे ही इन्वेस्ट करेगा, ये पहले बता दिया जाता है आपको फंड लेते टाइम। चलिए, ये कुछ अंडरलाइंग एसेट के बेस पे हम म्यूचुअल फंड को कर सकते हैं, कुछ स्टॉक्स बेस्ड होते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेस्ड होते हैं। ETF के बारे में मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उसको देखिए अगर ETF का नहीं पता आपको। इंडेक्स बेस्ड फंड होते हैं जो इंडेक्स के ऊपर पैसा लगाते हैं, सेक्टर बेस्ड होते हैं जैसे फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर, इस तरह के फंड्स भी होते हैं जो सिर्फ उसी पे है। डेप्ट ऑन बॉन्ड बेस्ड फंड्स भी होते हैं जो सिर्फ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। कमोडिटी बेस्ड भी होते हैं, गोल्ड सिल्वर पे भी म्यूचुअल फंड होते हैं। इंडिया में कई बार नहीं होते कमोडिटी बेस्ड, US वगैरह में कमोडिटी बेस्ड भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं। बैलेंस फंड्स में क्या होता है, फ्लक्चुएशन करते हैं, वो शिफ्ट करते हैं, कभी डेप्ट में कभी इक्विटी में, 50-50 भी दे देते हैं आपको डेप्ट और इक्विटी में पोर्टफोलियो, तो आपका एक बैलेंस बना रहता है। और शिफ्टिंग भी कई बार करते हैं बैलेंस फंड्स में, जब स्टॉक मार्केट अच्छा हो तो ऊपर उसमें ज़्यादा लगा देते हैं, अगर गिर रहा हो तो डेप्ट वगैरह में लगते हैं, तो बैलेंस के हिसाब से वो बैलेंस करते रहते हैं फंड्स को, कई बार 50-50 भी लगाते हैं वो बैलेंस फंड्स में। तो इस तरह बेसिस किया जाता है, सेक्टर बेस्ड, इंडेक्स बेस्ड, ETF बेस्ड, डेप्ट बेस्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेस्ड। तो आगे ट्यूटोरियल में बताऊंगा कौन कौन से फंड कैसे कैसे लगते हैं, वेबसाइट्स पे कैसे आप देखेंगे कौन से फंड्स है, किस तरह के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन है। ऑप्शंस होती हैं म्यूचुअल फंड लेते टाइम, ऑप्शंस मीनिंग वो ऑप्शंस नहीं है जो निफ्टी के इंडेक्स की ऑप्शंस है, यहाँ पे मीन्स अल्टरनेटिव, और उसके अंदर आप जब फंड परचेज करते हो आप पूछता है ग्रोथ लेना चाहते हो, डिविडेंड लेना चाहते हो। ग्रोथ का मीन्स आपका पैसा, वो जो इन प्रॉफिट आया है वो वहीं इन्वेस्ट कर देगा म्यूचुअल फंड्स में। डिविडेंड मीन्स थोड़ा सा आपको प्रॉफिट आया, थोड़ा सा आपको दे देता है डिविडेंड बेस पे, बट उसकी नुकसान ये होता है नव वैल्यू कई बार कम हो जाती है, और डिविडेंड का ये भी पता नहीं रहता वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कब आएगा डिविडेंड, तो ये थोड़ा रहता है इसमें कन्फ्यूज़न। तो आई थिंक ग्रोथ जो बेस्ट ऑप्शन होती है, तो आप अपना प्रॉफिट ही उसमें द्वारा इन्वेस्ट कर दीजिए तो अच्छा रहता है। एक होता है रेगुलर और डायरेक्ट। डायरेक्ट आपने देखा होगा कई जगह डायरेक्ट लिखा होता है, कई जगह रेगुलर फंड लिखा होता है, कई बार डायरेक्ट तो लिखा होता है, दूसरा फंड रेगुलर नहीं लिखा होता है, तो वो समझ लीजिए आप रेगुलर ही है। डायरेक्ट मीन्स आप ऑनलाइन खुद परचेज कर रहे हो, एक बार आपका फोलियो नंबर बन गया बैंक से तो नेक्स्ट टाइम आप उसी AMC का डायरेक्ट ले रहे हो। रेगुलर में क्या होता है, अगर आप रेगुलर हमेशा
10 फंड आपने दो दो साल बाद लेने या रेगुलर ले रहे हो, बैंक जाके ले रहे हो, तो उसका कमीशन जाता है ब्रोकर को, तो वो हो गया रेगुलर फंड। डायरेक्ट मीन्स एक बार आपका फोलियो नंबर बन गया किसी भी एमसी के अंडर, नेक्स्ट जो फंड लोगे आप वो डायरेक्ट लोगे, किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं लोगे। तो ये फ़र्क होता है एक डायरेक्ट और रेगुलर में। एक क्लोज्ड और ओपन एंडेड फंड भी होते हैं। ओपन क्लोज एंड मीन्स आप उसको सेल नहीं कर सकते, उसमें कुछ नया बाय नहीं कर सकते आप, तो वो क्लोज एंडेड हो गए। ओपन एंडेड आप कभी भी सेल कर सकते हो नंबर ऑफ यूनिट्स, कभी भी एग्जिट कर सकते हो, ओपन एंडेड होते हैं। 1 ईयर से पहले एग्जिट करोगे तो उसका 0.1% एग्जिट रूल लगता है। वो मैं सब बताऊंगा आपको वेबसाइट पे कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है। तो आप क्लोज एंडेड थोड़ा कम यूज़ होते हैं एक्चुअल में, ओपन एंडेड ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि आप अभी आपको पैसा चाहिए तो आपको वो एकदम से एग्जिट लोड लेके पैसा दे देंगे। तो क्लोज एंडेड कुछ तरह की नई प्राइस, नया यूनिट नहीं खरीद सकते आप, उसमें से एग्जिट नहीं हो सकते, हाई फीस लगती है अगर एग्जिट होना चाहते हैं, तो इस तरह का ओपन एंडेड बेस्ट ऑप्शन रहती है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ओपन एंडेड जो होते हैं एक बार होता है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा रिटर्न देते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो क्लोज एंडेड अभी कम लेते हैं लोग, कम पॉपुलर हैं। बाय करना, कहाँ से बाय किया जाए, कैसे बाय, क्या क्या और ऑप्शन होती हैं बाय करने के टाइम। पहले आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कीजिए, आप हाई रिस्क पे लगाना चाहते हैं, लो पे लगाना चाहते हैं, किस सेक्टर पे लगाना चाहते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो आप मान लो गोल्ड पे लगाना चाहते हैं तो आपका गोल्ड म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करोगे। तो दो वे होते हैं परचेज करने के लिए, एक यूजिंग सिप होता है, एक और बाय सिंपल यूनिट होता है। जैसे आप स्टॉक लेते हो डीमैट अकाउंट से, वैसे ही आप यूनिट बाय कर लेते हो, या बैंक जाके यूनिट बाय कर लेते हो आप। यूज होता है सिप लगा के, मीन्स हर महीने आपका पैसा कटेगा। आपने फिक्स कर दिया है मान लो 500 रुपया, 5 तारीख उसकी सेट कर दी है, तो हर महीने 500 रुपया आपका कटेगा 5 तारीख को हर मंथ के। जैसे 5 जनवरी, 5 फरवरी, 5 मार्च, 5 अप्रैल, हर महीने आपका 500 रुपया कटता जाएगा। उसको बोलते हैं सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें ये फायदा होता है कि अगर मान लो कोई मार्केट गिर रहा है, इक्विटी में लगाया हुआ है आपने पैसा, तो आपका एवरेज हो जाता है यूनिट। मान लो 10 NAV वैल्यू, फिर नेक्स्ट मंथ 9.5 आएगी, तो आपका 5 तारीख को 9.5 पे परचेज हो जाएगा, तो एवरेज आपका कम आ जाएगा जो फंड की लागत है जो। तो इससे एवरेज आउट हो जाते हैं, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ जाते हैं और सस्ते में मिल जाते हैं। फिर अप मूव करेगा 5 मार्च को, तो आपके पास कम पे रह गए। हाल दूसरा जो मेथड होता है सिंपल बाय करने का, मीन्स आपने एक तरीके को लिया और आप लेके बैठ गए मान लो 20,000 का एक साथ, तो आप उसमें अभी सिप नहीं आओ, नीचे आ रहा है फंड, आप कुछ या तो फिर और ख़रीदो आप 20,000 के एक साथ, तभी एवरेज होगा। बट फिर कई बार नहीं हो पाता ऐसा, तो सिप लगाते हैं लोग, हर महीने कुछ ना कुछ कट जाए, अगर फंड नीचे गया तो हर महीने कुछ ना कुछ कट जाए। तो सिप एक होता है रेगुलर बेसिस पे पैसा आपका इन्वेस्ट होना, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उस टाइम ना वैल्यू, उसी ना वैल्यू को आपको उसी डेट पे मिलेगा जिस आपने डेट चूज़ की हुई है। 5 जनवरी चूज़ की है तो एवरी मंथ 5 को ही आपका पैसा कटेगा। तो ये एक सिप होता है, और सिंपली यूनिट भी आप बाय करके रख सकते हो, और जब ऊपर गया तो आप बेच सकते हो, या 6 महीने या साल बाद बेच सकते हो उसको। तो वो आगे है, आपको बताऊंगा मैं। अब बाय कहाँ से करें हम म्यूचुअल फंड्स में, दो ऑप्शन मैंने बताई जैसे कि डायरेक्ट और रेगुलर। परचेज डायरेक्ट फंड ऑनलाइन इफ़ अमाउंट इज लार्ज, अगर आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, 5 लाख है, तो आप डायरेक्ट परचेज करेंगे, आप रेगुलर परचेज नहीं करेंगे। अगर आपकी सिप बहुत ज़्यादा है, 5 साल का लिया है, 3 साल का लिया है, 2 साल के लिए है, और ज़्यादा अमाउंट ले रहा है, तो मैं सलाह दूंगा आपको डायरेक्ट फंड परचेज करिए। अब डायरेक्ट फंड परचेज करने के लिए आपको फोलियो नंबर चाहिए होता है। फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यू नीड ए फोलियो नंबर। फोलियो नंबर आप कहाँ से लेंगे, एक फाइल नंबर होता है जो जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका पैन कार्ड, ये वो,
पहले आप बैंक जाके या उस एएमसी में जाके स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। आप एक बार फोलियो नंबर बना लीजिए। फोलियो नंबर बनाने के बाद आप डायरेक्ट ऑनलाइन जा लार्ज अमाउंट का फंड लीजिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर ले लेते हैं लार्ज अमाउंट का तो सिप नंबर ऑफ सिप ज़्यादा है तो उसका हर महीने आपको यूनिट कम मिलेंगे, कमीशन जाता है आपको ब्रोकर के। इसलिए आप कभी भी रेगुलर फंड मत लीजिए, कहीं भी कभी भी बैंक के थ्रू लार्ज अमाउंट का या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लार्ज अमाउंट, नंबर ऑफ सिप्स लार्ज हैं तो आपकी मैनी हैं, बहुत सारी हैं, तो कभी भी आप वहाँ बैंक में जाके या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाके आप नहीं लोगे। एक बार फोलियो नंबर जनरेट कर लीजिए स्मॉल अमाउंट्स के साथ, देन फिर आप लार्ज अमाउंट से डायरेक्ट परचेज किए। हाँ, अगर अमाउंट स्मॉल है, 6 महीने या 12 महीने के लिए आपने टेस्ट करने के लिए लेना है, तो आप रेगुलर ले लो या डायरेक्ट ले लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रेगुलर ले लो आप, उसमें कोई ज़्यादा नव वैल्यू नहीं होगी। 500 रुपये का आपने जाना है उसका, हर महीने आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो इतना कमीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। बट आपने अगर लार्ज अमाउंट में 5 लाख 10 लाख करना है तो आप डायरेक्ट परचेज करिए। एक बार फोलियो नंबर बनवा लीजिए आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक या एएमसी से। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, ट्यूटोरियल बताऊंगा जिसमें एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कैसे लिया जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। कुछ लिंक्स हैं, जैसे आपने इन्फॉर्मेशन पता करनी है तो आप म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे चले जाइए, एसबीआई की एसबीआई म्यूचुअल फंड गूगल में टाइप करके। मनी कंट्रोल वेबसाइट्स है, इक्विटी मास्टर वेबसाइट्स है, म्यूचुअल फंड इंडिया .com है। तो उसके इस लिंक्स के बारे में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपसे बात करूँगा। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।